हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सबका कल्याण करे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सरूरू। सातवां क्वेश्चन, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोक तृतीय का भावार्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका भावार्थ हो जाएगा बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विकल्प में बहुप्रिय समास है, ये आपको बताना है। चतुरानन में बहुप्रिय समास है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो सरल वाक्य के अंतर्गत छात्राओं ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को इन दिनों में, तैयारी आपकी हो चुकी होगी आशा करते हैं। अब बस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उन्हें सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दसवां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको ये बताना कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। तो एक काम करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। आंसर कैसे बताना है आप लोगों को, दसवें का बी, दसवें का सी, दसवें का डी या दसवें का ए, क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मितव्ययी, अल्पव्ययी। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका गाइस, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानाध्यापकों जी ने कहा है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादानकरण, संबंध, अधिकरण। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारण का प्रयोग हुआ है? तो इस बात में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पंद्रहवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है?
तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पदयुत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपत्य अपथत्य संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। चले बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है विशिख। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? हथनी, हथनी जो है आपका ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मवाच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सरोजनी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके सो गाइस, अगला क्वेश्चन, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, अज्ञ, अविज्ञ, अल्पज्ञ। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका अल्पज्ञ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है इसमें से? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, वह सदैव ही सत्य बोलता है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, किस शब्द की संधि सही है? तो किस शब्द की संधि सही है? पितृधन अनुमति, पितृनुमति। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस विकल्प में कर्मधार समास नहीं है? क्वेश्चन में पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि किस विकल्प में कर्मधार समास नहीं है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गजानन में कर्मधार समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अब बरसात रुक गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, इनमें से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका विज्ञापन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कलई खुलना, मुहावरे का सही भावार्थ क्या होगा? कलई खुलना। तो कलई खुलना का भावार्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है ये आपको बताना है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा। अगला क्वेश्चन, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए गाइस, अर्धविराम की बात हो रही है, तो अर्धविराम विराम वाला जो चिन्ह है आपका ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें देशज शब्द कौन सा है? तो एक काम करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, झोपड़ी, अफीम, पानी या तमाशा। और वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्योम, नव, अंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, सामिल, स्नेहिल, फेनिल। किस शब्द में, किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? सामिल। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है?
चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परायण में उपसर्ग नहीं है। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अविहिता तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारक है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? चलिए बताइए यहाँ से क्या होगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? इतना टाइम नहीं लगता एग्ज़ाम में कि आप लोग पढ़ें घंटों भर, इतना टाइम नहीं लगेगा। आंखों से एक इशारे पे देखिए, आंसर तुरंत माइंड वगैरह आपको आता होगा क्वेश्चन, तो माइंड में आपके आंसर तुरंत टच करेगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वाक्य में क्रिया के सतत्वबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ममता। सो गाइस अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? महावट। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? चंपू। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोग। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताया कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही नहीं है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सतधन नारी यानी सतनारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? आपको ये बताना है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभागमन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सीगरी व आंदोलन देशव्यापी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देह शब्द में तद्भव नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, स्मरण विस्मरण, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव्याप्ति। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस देखिएगा। गाइस क्वेश्चन है कि बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दुर्भावी संधि। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा महादन आत्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नाक से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? ये आपको बताना है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकट, शकट और सहज। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आप यहां बैठिए। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? श्रम साध्य, तो श्रम साध्य में आपका अव्ययीभाव समास नहीं होगा, आजन्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ है, यथा है, देख सकते हैं आप लोग, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको, आमरण है तो बड़ा आ है, इसमें अव्ययीभाव समास है, लेकिन श्रम साध्य में अव्ययीभाव समास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिधन, अधीन, अध्याधीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इनमें से किस लोकतृति का भावार्थ सुसंगत है, सुसंगत नहीं है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आँख के अंधे नाम नयनसुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, परिव्राचक। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? आप भी आइएगा, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका भलाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है, आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आभूषण मरण पर्यंत। ठीक है, सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइएगा, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल की खाल निकालना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बालक पतंग उड़ा रहा था, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 73, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक रोते रोते सो गया। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ की बात हो रही है यहाँ पे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आशंका या संदेह होना। गाइस अगला क्वेश्चन,
किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, गाइस अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग, इसमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? छिंद्रावनिवेशी, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपत्ति विपत्ति, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा विलोम युग्म शब्द युग्म सही नहीं है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अमल विमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका भीतर, इनमें विशेषण नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नौ दिन चले अढ़ाई कोस, लोक तीर्थि का भावार्थ क्या होगा? नौ दिन चले अढ़ाई कोस, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काम करने की बहुत धीमी गति। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? रीत, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रीत तत्सम नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, 85, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? 87 में दरवाज़ा खुल रह गया, अतः चोर घर में घुसा है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना यानी कि पेंच लड़ाकर पतंग काटना, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका दंपत्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? बजरंग, तो बजरंग में आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? गलत, असुचि, लुप्त, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन या पचपन? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पचपन इसमें भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, ठीक है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया की शमनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की संधि है जो कि गलत है? नवधन उड़ा, नवोड़ा, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कर दीजिए।
और अगर आप लोग पीटीटी 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।